नमस्ते, मेरे चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। मैं आज आलू और शिमला मिर्च की सूखी सब्जी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए हमने 3 ठो आलू लिए हैं, आलू को छील के रखा है, और 2 ठो शिमला मिर्च, और 2 ठो टमाटर, 1 ठो प्याज हमने यहाँ धो के काट के रखा है। आलू और शिमला मिर्च और प्याज और टमाटर को कढ़ाई में तेल डालेंगे, और तेल गरम होने के बाद इसमें जीरा डालेंगे और थोड़ा सा हींग डालेंगे। उसके बाद इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे और थोड़ा सा मिलाएंगे, और साथ में आलू को डालेंगे। आलू और प्याज को दोनों को अच्छा से भुनेंगे। आलू थोड़ा क्रिस्पी हो जाए और प्याज गोल्डन फ्राई हो जाए, एक साथ भुनेंगे। देखिए, प्याज भी गोल्डन फ्राई हो गया है और आलू भी थोड़ा क्रिस्पी हो गया है। अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ा भुनेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए। अब भुनने के बाद इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, और मिलाएंगे। इसे मीडियम आंच में बनाना है। अब इसमें धनिया पाउडर देंगे और आमचूर पाउडर देंगे। और मिलाएंगे। उसके बाद इसमें कटा हुआ टमाटर डालेंगे, और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। और मिलाएंगे। इसमें पानी नहीं डालना है। अब इसे कवर करेंगे 5 मिनट के लिए। अब कवर हटाएंगे और चलाएंगे। अब इसमें कटा हुआ शिमला मिर्च डालेंगे, और चलाएंगे। इसे मीडियम आंच बनाना है। और फिर से इसे कवर करना है 5 मिनट के लिए। और हटा के देखेंगे और फिर से चलाएंगे। देखिए, सब्जी कितना अच्छा बना है। आलू भी अच्छा से गल गया है। अब पकने के बाद
लास्ट में मैगी मसाला डालना है। और अच्छे से मिलाएंगे। देखिए बनके रेडी हो गया है। और रेसिपी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। देखिए आलू भी कितना अच्छा गला है। अब हम एक प्लेट में निकालते हैं। इसे आप रोटी चावल के साथ खा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा बनके रेडी हुए। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए।